हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ। और एक टॉपिक जो टॉपिक की काफ़ी डिमांड रहती है हमेशा, जो टॉपिक बच्चों को क्लियर नहीं होता है, बच्चे भूल जाते हैं, वो टॉपिक का नाम है डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी वर्सेस एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, आइए पढ़ते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, सारी बातों को धीरे धीरे समझ लेते हैं। चलिए, तो क्या इसका मतलब होता है वो तो हम पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो देखो कहते हैं ना कि इस हाथ दो उस हाथ लो, मतलब क्या है इसका। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि ये हमारा प्लस कोर्स है, आप चाहें तो इस प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स को ज्वाइन करते इस समय हमारे पास तीन तरह का एक वो सब्सक्रिप्शन फीस है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अगर आप हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपने मान लीजिए एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपने बैंक का लिया, बैंक का आपने कोर्स ज्वाइन किया, जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं प्लस पर, आपको सारे एजुकेटर्स की प्रोफाइल मिल जाती है। इसमें आप जाकर कोई भी क्लास कर सकते हैं, क्वांट की, जीए की, इंग्लिश की, रीजनिंग की। इसके अलावा 12 to 15 मिनट के लोगों के लेसन प्लान होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बीच बीच में स्पेशल क्लासेस आती हैं, वो भी आपको मिल जाती हैं, पूरा एक पैकेज है। एक बात और, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, आप इस कोर्स से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 24 मंथ का भी है, जिसकी फीस आपको अभी मैं आगे दिखाऊंगा। ये हमारा 1 ईयर का फीस है 5000, और अगर आप इसको इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे ही जो हमारा 2 साल का कोर्स है 8000 फीस है, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको 7200 का ही कोर्स पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा हमारा क्या है, मुद्दा हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मेरे पीछे आपको बैंक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, चिंता मत करिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे डिवेल्यूएशन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेल्यूएशन, डिवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में हम बोलते हैं अवमूल्यन। क्या बोलते हैं, अवमूल्यन, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी या मुद्रा का अवमूल्यन। तो इसका मतलब क्या होता है, समझिएगा वो ध्यान से बात। इट इज एन ऑफिशियल लोअरिंग, लोअरिंग नीचे करना, इट इज एन ऑफिशियल लोअरिंग ऑफ अ करेंसी इन कंपेरिजन टू एनी अदर करेंसी इज कॉल्ड डिवेल्यूएशन। और हिंदी में, जब एक देश अपनी मुद्रा की वैल्यू को किसी और मुद्रा के सापेक्ष में जानबूझकर गिरा देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिवेल्यूएशन। नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर मान लीजिए कि आज एक डॉलर के बराबर एक रुपया है, मान लीजिए आज तक है, अचानक भारत सरकार ने बोल दिया कि नहीं भाई आज से एक डॉलर के बराबर 10 रुपया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवेल्यूएशन। हम लेकिन देखिए दो चीजें होती हैं, अगर आप आज की बात करेंगे तो आज के टाइम पर आप जब न्यूज पर देखते हो तो कभी एक डॉलर के बराबर 60 रुपीज है, कभी 61 होता है, कभी 62 होता है, कभी 63 होता है, तो क्या ये गवर्नमेंट कर रही है, नहीं, ये अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई हो रहा है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, जो अपने आप हो रहा है। और जब भारत सरकार जानबूझ कर करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिवेल्यूएशन। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये डिवेल्यूएशन से मतलब क्या निकला, क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कोई देश ऐसा क्यों करेगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जरा बताइए। ठीक है, बताते हैं आपको। देखिए, तो इसके लिए हम आपको सीधे लेते हैं चाइना, सीधे आपको ले चलते हैं चाइना, और चाइना में आपको एग्जांपल देंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पूरे विश्व में अगर हम आयरन की बात करें, लौह अयस्क की बात करें, स्टील की बात करें, तो स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश इंडिया है और चाइना है। अभी राइट नाउ चाइना हमसे आगे है, कभी हम चाइना को पीछे कर देते हैं, मतलब चाइना और इंडिया ही पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट हैं जहां से लोग स्टील इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि मतलब देखो चाइना में चलता है युआन, और मान लीजिए युआन की बात करें तो युआन को हम इस तरह से फॉर एग्जाम्पल डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि चाइना आयरन बेचता है, ये तो हमें क्लियर है। अच्छा, सपोज करिए कि कल तक एक डॉलर के बराबर एक युआन वैल्यू चल रही थी, एक युआन वैल्यू चल रही थी, और एक युआन की बात करें तो चाइना में एक युआन में 1 kg स्टील मतलब आयरन जो मिलता है। ठीक, यानी कि अगर यूएस का कोई बिजनेसमैन है वो चाइना में $1 खर्च करेगा तो उसे 1 kg आयरन स्टील यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए, अब चाइना सोच रहा है कि यार किस तरह से इंडिया के मार्केट को हम पीछे छोड़ें। चाइना देख रहा है कि उसका स्टील आयरन दिनों दिन उसका एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, चाइना को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने अगले दिन क्या किया, चाइना ने अगले दिन बोल दिया कि नहीं भाई, आज से $1 के बराबर 10 युआन हम घोषित कर दे रहे हैं। अब क्या हुआ, 10 युआन, यानी कि वही जो बिजनेसमैन है अब वो $1 खर्च करेगा चाइना में तो वो हो जाएगा 10 युआन के बराबर, और 10 युआन में उसको 10 केजी आयरन मिल जाएगा। यानी पहले $1 में उसको 1 केजी आयरन मिल रहा था, अब $1 में उसको 10 केजी आयरन मिल रहा है। मतलब कितना बड़ा उसे फायदा, यानी कि चाइना का आयरन अमेरिकन को सस्ता पड़ा कंपेरिजन टू इंडिया, यानी वो चाइना से ही आयरन खरीदेगा। समझे मेरी बात, तो वो चाइना से आयरन खरीदेगा, तो चाइना से वो आयरन खरीद रहा है, और चाइना में क्या आ रहा है, चाइना में तो डॉलर आ रहा है, तो चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार अपने आप बढ़ जाएगा, फायदा ही फायदा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो कहने का मतलब क्या, जैसे इंडिया ने भी 3 बार डिवेल्युएशन किया, तो डिवेल्युएशन हम करते हैं तो क्या होता है कि विदेशी जो कंपनीज हैं उनके लिए हमारा मार्केट सस्ता हो जाता है, हमारे रॉ मटेरियल सस्ते हो जाते हैं, सैलरी देना सस्ता हो जाता है, तो वो यहां पर यहां से एक्सपोर्ट भी करते हैं और यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व अपने आप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फायदा। ठीक, नुकसान की बात क्या है इसमें, नुकसान की बात यह है कि पहली बात तो हमारी करेंसी को कमजोर माना जाएगा, डॉलर स्ट्रांग हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, करेंसी हमारी कमजोर मानी जाएगी, मतलब एक तरह का आप कह लो साइकोलॉजी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा, हमें नुकसान होगा इंपोर्ट में। देखिए, आपको पता है कि इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, हर देश सब कुछ नहीं बनाता है, आपको कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इंपोर्ट में हमें नुकसान हो जाएगा, चाइना को भी नुकसान हो जाएगा। कैसे, देखिए, अब आप देख रहे हैं कि 10 युआन के बराबर $1 है। सपोज करिए कि चाइना की बात करें तो चाइना क्या करता है कि चाइना भी यूएस से कुछ खरीदता है, चाइना सपोज करिए यूएस से खरीदता है, कुछ भी एग्जांपल ले ले, मान लीजिए मोबाइल फोन की हम बात कर रहे हैं, और यूएस में एक मोबाइल फोन की कीमत कितनी है, यूएस में एक मोबाइल फोन की कीमत है $1। ठीक, तो पहले चाइना को अगर यूएस से मोबाइल फोन खरीदना होता था तो चाइना 1 युआन अपना खर्च करता था, आराम से उसको एक फोन मिल जाता था, एक मोबाइल फोन कीमत $1। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, उसने क्या बोल दिया कि भाई 10 युआन के बराबर $1, तो यानी अब वही जगह उसको 10 युआन खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर ये $1 के बराबर होगा और तब जाकर उसे एक मोबाइल फोन मिलेगा, यानी इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, विकासशील देशों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी में हम सब जानते हैं कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिवेल्युएशन का ऑब्जेक्टिव। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है, बात क्लियर हुई कि इंपोर्ट जो है वो महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट होगा हमारे देश से। क्या कोई गवर्नमेंट जानबूझ के डिवेल्युएशन इसीलिए करती है? जी हाँ, इसीलिए करती है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा जगह बना दूं, इसे मैं रब देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में बिजनेसमैन बढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब हमारे देश में प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट देख रही है, मान लो $1 के बराबर, फॉर एग्जांपल ₹1 है। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट देख रही है कि हमारे देश के जो बिजनेसमैन है लाइक मुकेश अंबानी, रतन टाटा या जो भी हैं, ये लोग कोई चीज इंडिया में नहीं बना रहे, ये लोग यूएस से कोई चीज खरीदते हैं, यूएस से खरीद कर इंडिया में उसे बेचते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर ये लोग यही चीज इंडिया में बनाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको डिमोटिवेट करना चाहती है। तब क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आज से $1 के बराबर ₹10। इसका मतलब, तो अब जब ये यूएस से कोई चीज परचेस करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, तो ये महंगा हो जाएगा ना, देखो ना, महंगा हो जाएगा तो वो उसे परचेस नहीं करेंगे, इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, तो हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिवेल्युएशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, क्यों एक्सपोर्ट, क्योंकि आपके सामान सस्ते हो जाएंगे, और टू डिक्रीज इंपोर्ट, इंपोर्ट को डिक्रीज करने के लिए डिवेल्युएशन होता है। क्लियर, तो डिवेल्युएशन को हम समझ गए, तो फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है, आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। चलिए बात करते हैं, हमारे देश में एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी इंडिया में जियो फोन बेचते हैं, जियो फोन, ये रहा स्क्रीन, ये रहा बटन उसके, ठीक है, जियो फोन।
लेकिन जियो फोन ये इंडिया में बनाते नहीं है, ये यूएस से परचेस करते हैं और इंडिया में बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि मुकेश अंबानी को ये जो यूएस की कंपनी है इसको पेमेंट डॉलर में देना होता होगा, यही होता होगा, और मुकेश अंबानी के पास डॉलर कहां से आएगा? तो मुकेश अंबानी ने अपना कोई ना कोई मर्चेंट बैंक बनाया होगा। मर्चेंट बैंकिंग आपने पढ़ा होगा, मैं यहां पर मर्चेंट बैंक को डिस्क्राइब करने नहीं जा रहा हूं वरना बहुत टाइम चला जाएगा। मर्चेंट बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक होता है जो कि मुकेश अंबानी के सारे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा रिलेटेड फाइनेंशियल। तो ये एसबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हमें देखो ऐसा है कि हमको डॉलर चाहिए। अब सपोज करो कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, एक डॉलर के बराबर 60 रुपीज चल रहा है, ठीक है। यानी कि क्या होगा इसका मतलब कि मुकेश अंबानी 60 रुपए एसबीआई को देंगे और एसबीआई इनको एक डॉलर दे देगा, है ना, यही होगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या डॉलर प्रिंट करने की मशीन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डॉलर कहां से पाता होगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डॉलर कहां से पाता होगा? उसके पास से जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो होता क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा आरबीआई के पास और इनको देगा 60 रुपए और इनसे एक डॉलर लेके मुकेश अंबानी को दे देगा। तो बेटा होता क्या कि ऐसे अब विदेशी मुद्रा भंडार भी आरबीआई के पास लिमिटेड है, है ना, लिमिटेड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आरबीआई देखता है कि यार हमारे देश में विदेशी मुद्रा की डिमांड काफी बढ़ रही है, हमारे बिजनेसमैन काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और हमने इन्हें नहीं रोका तो क्या होगा, हमारा विदेशी मुद्रा खत्म हो जाएगा। मतलब कि सपोज करो कि जैसे कि हमारे पास विदेशी मुद्रा कैसे आता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने से आता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा आएगा, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा आएगा। सपोज करिए कि इंडिया में उतना ग्रोथ नहीं है, फॉरेन के इन्वेस्टर्स इतना पैसा नहीं लगा रहे और इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा नहीं चल रहा है। अगर इंडिया में डॉलर आता रहेगा आरबीआई के पास तो दिक्कत नहीं है। आरबीआई देख रहा है कि यार डॉलर भी कम आ रहा है हमारे पास और ऊपर से हमारे जो बिजनेसमैन है, जो लोग हैं, वो डॉलर की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। इस बार भी क्या हुआ, इस बार भी मुकेश अंबानी एसबीआई के पास और क्या बोले कि भैया 60 रुपए दे रहे हैं, एक डॉलर हमको दे दो। एसबीआई कहां पहुंचा आरबीआई के पास? एसबीआई ने बोला कि 60 रुपए दे रहे हैं, एक डॉलर हमें दे दो। तो आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई जानबूझकर इनको डीमोटिवेट करने के लिए क्या करेगा, बोल देगा नहीं भाई आज से क्या होगा, आज से एक डॉलर के बराबर हम 65 रुपए ही मानेंगे, 65 रुपए दो लीजिए डॉलर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, जानबूझ के रुपीस को कम, रुपीस की वैल्यू गिरा दी ताकि इंपोर्ट महंगा पड़ जाए, और इंपोर्ट महंगा पड़ जाएगा तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगा तो रुपया स्टेबल हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से करेंसी को अप्स एंड डाउन करता रहता है ताकि हमारे देश में ये जो विदेशी मुद्रा भंडार उसकी डिमांड कम हो और फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास पड़ा भी रहे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री है क्योंकि हमारे देश में वैसे भी करेंसी एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो फिक्स है, अरे वो फ्लोटिंग है, फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हिसाब से अप्स एंड डाउन कर सकती है ड्यू टू मतलब मार्केट कंडीशन को देखते हुए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का एग्जांपल है। आप बोलेंगे सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, मतलब मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि डिवेल्युएशन करना गवर्नमेंट के हाथ में है, डेप्रिसिएशन करना भी कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक के हाथ में ही है ना। तो क्या एप्रिसिएशन करना भी रिजर्व बैंक के हाथ में है? एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, अगर आज एक डॉलर के बराबर आरबीआई 60 रुपए बोल सकता है तो आरबीआई ये भी तो बोल सकता है कल को कि एक डॉलर के बराबर भैया 55 रुपए, ये भी तो बोल सकता है। हाँ बोल सकता है, आरबीआई के पास पावर है, बोल सकता है। लेकिन डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम उसकी बात कर लेते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। आइए तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन की बात थोड़ी कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मतलब, कल तक अगर एक डॉलर के बराबर 60 रुपए था और फिर क्या हो जाए, आज एक डॉलर के बराबर 65 रुपए हो जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। हाँ, कल तक अगर एक डॉलर के बराबर 60 रुपए था और अगर ये बढ़कर हो जाए एक डॉलर के बराबर आज 55 रुपए, इसे हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन हो रहा है। सबसे पहले इसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जोड़कर देखते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से देखते हैं, ठीक है।
देखिए, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है डॉलर के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ये इंडिया में हो रहा है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा विदेशी नागरिकों के लिए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा विदेशी नागरिकों के लिए, वो सस्ता हो जाएगा, और सस्ता हो जाएगा मतलब इंडिया को नुकसान नहीं है, इंडिया को नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? कल तक एक अमेरिकन अगर इंडिया में एक डॉलर खर्च कर रहा था तो उसको 60 रुपए का सामान मिल रहा था, लेकिन अब 65 का मिल रहा है, उसे और सस्ता पड़ा, तो हमारे देश का तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इंपोर्ट की बात करते हैं, जी हां, इंपोर्ट हमारे महंगा पड़ेगा। इंपोर्ट करना ज्यादा अच्छी बात भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इंपोर्ट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा टाइट हो जाएगा, मतलब महंगा हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा विदेशी नागरिकों के लिए, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। आइए इसकी एप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो अगर एप्रिसिएशन हो गया तो आपको सीधे दिख रहा है कि जो हमारे देश का एक्सपोर्ट है, आप देख लो सीधे सीधे, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा महंगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा महंगा, कॉस्टली हो जाएगा विदेशी नागरिकों के लिए, मतलब हमारा एक्सपोर्ट डाउन जरूर जाएगा। और इंपोर्ट की बात करें तो हमारा इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, मतलब हमारे जो लोग हैं अब वो इन्हें इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा है, मतलब ये कॉस्टलियर है, हाँ ये चीपर है, और वो इंपोर्ट बढ़ा देंगे, फिर इंपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे देश में वैसे भी इंप्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन उतना बुरा नहीं है जितना हमें लग रहा है। हाँ, अगर हम जोश जोश में आके एप्रिसिएशन कर देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, और हमें नुकसान हो जाएगा तो कैसे नुकसान होगा वो मैं आपको यहां पर आगे दिखा चुका हूं, ठीक है, बात समझ में आई। तो गाइज ये टॉपिक था आपको समझाने के लिए कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों एप्रिसिएशन नहीं करती है। हम एप्रिसिएशन करेंगे लेकिन हम उस समय करेंगे जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा और हम इंपोर्ट कम करेंगे, तभी एप्रिसिएशन कर सकते हैं, और उसमें बहुत टाइम है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। अपना ध्यान दीजिएगा, अपना खूब ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऐसी कोई भी चीज जो आपको एग्जाम से दूर ले जाती है, आपके गोल से दूर ले जाती है, आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती है, उसे जहर की भांति छोड़ दीजिए, वो जहर है आपके लिए। और हर वो चीज जो आपको एग्जाम के पास ले आ रही है उसको पकड़ लीजिए। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए, बिकॉज भगवान को आपने देखा तो है नहीं, लेकिन भगवान कोई है तो धरती पर ही है, माता पिता है, माता पिता का आशीर्वाद जरूर आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस की बात करते हैं। थैंक यू सो मच।